Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your third lesson, verb tense. Right? Now, today we are going to start your test 1. And in this test 1, we will cover all your 3 lessons. First lesson, second lesson and third lesson. So, here it is your first exercise. Rewrite the following sentence changing the gender of the noun. Okay, जो bold letter में आपको दिया है उसका gender change करना है और फिर लिख I show a black filly in my neighbor's farm. So filly का जो changing gender है वो क्या होगा? Colt. So I show a black colt in my neighbor's farm. Next है the princess does a lot of social work. So princess का जो चेंजिंग जेंडर है वो क्या होगा? प्रिंस. सो द प्रिंस डज अ लॉट ऑफ सोशल वर्क्स. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? जो चेंजिंग जेंडर वाला है वो थर्ड में भी आता था, फोर्थ में भी आता था. नाउ नेक्स्ट है द काइंडनेस ऑफ अ मास्टर एडेड विंग्स टू द फीट ऑफ द सर्वेंट्स. सो मास्टर का क्या होगा? मास्टरेस. तो द काइंडनेस ऑफ द मास्टरेस एडेड विंग्स टू द फीट ऑफ द सर्वेंट्स. नेक्स्ट है माई फादर ऑलवेज गिव्स एंड फॉरगिव. तो माई फादर की जगह पे क्या आएगा? फादर का चेंजिंग जेंडर क्या होगा? मदर. सो माई मदर ऑलवेज गिव एंड फॉरगिव. नेक्स्ट है द बी वॉज एक्सपेंड फ्रॉम द हाइव बाय द क्वीन. सो बी का क्या होगा चेंजिंग जेंडर? ड्रॉन, DRONE. सो द ड्रॉन वॉज एक्सप्लेड from the hive by the queen. Now B number exercise hai. Read the following sentence, pick out the transitive and intransitive verbs and write them separately. Okay, ye aapki second number ki jo lesson hai uski exercise hai. Humne transitive aur intransitive verb ke bare mein padha tha. Transitive verb kab kehlata hai aur intransitive verb kab kehlata hai. Transitive kab kehlata hai? Jab aap what lagao किसी के भी पीछे, जो आपके ऑब्जेक्ट है उसके पीछे व्हाट लगाओ उसकी जगह पे, तो उसका कोई मीनिंग कर निकल के आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर व्हाट लगाओ और मीनिंग निकल के ना आए तो वो क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. हमने पढ़ा ना. सो इसमें फर्स्ट है भारत बॉट अ पियानो. सो उसमें व्हाट लगाओ, पियानो. और पियानो क्या ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे व्हाट लगाओ तो मीनिंग निकल के आता है ना. भारत व्हाट बॉट व्हाट, भारत क्या खरीदाया. सो पियानो और पियानो उसका आंसर होगा व्हाट लगाओगे तो. सो ये कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ पियानो. तो यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? पियानो. फिर नेक्स्ट है शी लाफ्ड क्वाइटली. तो इसमें व्हाट लगाओगे, यही पे ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है. और ओके, थर्ड वन है द हैन लेट्स टू एग. अभी टू एग क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके जगह पे व्हाट लगाओगे तो उसका मीनिंग निकल करके आएगा द हैन लेड व्हाट टू एग्स. तो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एग्स, टू एग्स. ओके, नेक्स्ट है द बर्ड फ्लू फास्ट. तो उसमें व्हाट लगाओगे तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आता. सो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. नेक्स्ट है द नर्सेस गेव अन इंजेक्शन. सो अन इंजेक्शन की जगह पे व्हाट लगाओगे तो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा. सो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ? अन इंजेक्शन, है ना. ऑब्जेक्ट करके फिर आपको क्या लिखना है? अन इंजेक्शन. ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज सी नंबर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सिंपल पास्ट ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. क्या करना है आपको? ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिया है उसका पास्ट फॉर्म ओनली लिखना है, दूसरा कुछ करना नहीं है. सो इसमें फर्स्ट है ओबामास मदर डैश हिम इंग्लिश 3 hours every day when he was a little boy. सो टीच का पास्ट क्या होगा? टॉट, TAUGHT, टॉट होता है. आपने आगे जो थर्ड लेसन है उसमें मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल और जो प्रेजेंट फॉर्म है वो करने को कहा था, आपने कर लिया होगा. सो
तो आपको पता होगा टीच टॉट टॉट होता है ना, सो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, टॉट। नेक्स्ट है पिंकी डैश गो टू चेन्नई यस्टरडे, गो का पास्ट क्या होगा, वेंट, गो वेंट गॉन है ना, गो वेंट गॉन, सो गो का पास्ट क्या होगा, वेंट, डब्ल्यू ई एन टी वेंट। नेक्स्ट है ही डैश द कार वेरी फास्ट, सो ड्राइव का पास्ट क्या होता है, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोव है ना। फिर नेक्स्ट है आई डैश स्टे इन मुंबई फॉर 7 days, स्टे, स्टे का पास्ट क्या होता है, ईडी लगता है सिंपली स्टेड, सो एस टी ए वाई ई डी लगेगा है ना। नेक्स्ट है शी डैश हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, सो वर्क का पास्ट क्या होगा, वर्कड, शी वर्कड हार्ड, ई डी लगेगा सिंपली फॉर द एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है नेशन, फिर नेक्स्ट है डी नंबर एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंस एज अ डायरेक्टेड, आपको आपकी थर्ड जो थर्ड आपका लेसन्स था वर्ब वाला, वर्ब टेंसेस, उसमें आपको ये एक्सरसाइज लास्ट में दी थी, आपको जो भी टेंस में कन्वर्ट करना हो वो यहाँ पे लिखा था, उस टेंस में आपको कन्वर्ट करना था। सो आपको फर्स्ट दिया है कवि इज टीचिंग इज ऑन इंजीनियरिंग कॉलेज, सो इसमें क्या है कि ये कौन सा टेंस है, एम इज आर प्लस आई एन जी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ही शी इट को एस या ई एस मेन वर्ब को लगता है, अगर आई वी यू दे है तो जो मेन वर्ब है वो हम वैसे का वैसे रखते हैं। इसमें टीच क्या है, मेन वर्ब है, सो इसमें कवित है, कविन क्या है, ही है, तो ही को क्या लगेगा, एस या ई एस, अभी टीच में लास्ट वर्ड सी एच है सो ई एस लगेगा, सो कविन टीचेस इन ऑन इंजीनियरिंग कॉलेज, समझ में आ गया, इसको सिंपल टेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। फिर नेक्स्ट है द मैनेजर रीड द बायोडेटा ऑफ अ कैंडिडेट कैंडिडेट केयरफुली, सो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है सिंपली, सॉरी पास्ट टेंस है, ओके, क्योंकि रीड का पास्ट क्या होता है, रीड ही होता है, रीड रीड रीड, पास्ट पार्टिसिपल भी रीड होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो इसमें एस लगता है ना, मैनेजर क्या है, ही है या शी है, और ही और शी को क्या लगता है, एस लगता है, सो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, एम इज आर प्लस आई एन जी लगाते हैं, सो द मैनेजर को क्या लगेगा, इज लगेगा, सो द मैनेजर इज, रीड को क्या लगेगा, आई एन जी, रीडिंग द बायोडेटा ऑफ द कैंडिडेट केयरफुली, ओके। नेक्स्ट है माई ग्रैंडपा हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ प्लस आई हैज़ प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सो इसका सिंपल पास्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट में क्या कहते हैं हम, ओनली जो पास्ट फॉर्म है जो मेन वर्ब का वो लगाते हैं, सो माय ग्रैंडपा इसका रिटायर्ड क्या है, मेन वर्ब है, उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, रिटायर्ड ही होगा, सो माय ग्रैंडपा रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री ओके सर्विस, सो हो गया, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है शी हैज़ गॉन टू कंप्यूटर क्लास व्हेन आई रीच्ड होम, सो ये कौन सा टेंस है, हैड गॉन मींस कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, विल या शैल प्लस जो मेन वर्ब है वो करते हैं, अभी इसमें शी है, शी को विल लगेगा, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है गॉन, तो उसका मेन वर्ब क्या होगा, गो होगा, सो शी विल गो टू द कंप्यूटर टू कंप्यूटर क्लास व्हेन आई रीच होम, मैं जब घर पहुंचा तो वो कार गई थी, जाएगी कंप्यूटर क्लास जाएगी, ओके। नेक्स्ट है द एडवांस कंप्यूटर शैल हैव कॉस्ट हिम अ लैक रुपीस, सो इन सिंपल प्रेजेंट में आपको कन्वर्ट करना है, और दिया किस में, शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि आपका जो लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो है, उसको आपको किस में, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, सो इसका क्या होगा, द एडवांस्ड कंप्यूटर कोस्ट, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगेगा, जो मेन वर्ब है उसको एस या ई एस लगेगा, द एडवांस कंप्यूटर मतलब ईट है, ईट को क्या लगता है, एस लगता है, सो कोस्ट हिम अ लैक रुपीस, ओके, लाख रुपीस। सो आपका जो ये टेस्ट वन है
वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपके जो तीनों के तीनों लेसन्स हैं वो कवर हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो फोर्थ लेसन है वर्ब्स नाम फाइनाइट फॉर्म वो देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। ये भी बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें शायद 2-3 वीडियोस हो जाएंगे आपके यहाँ तक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट। बाय बाय स्टूडेंट्स।